नमस्कार दोस्तों, काष्टिया व्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम अपने फिफ्थ एपिसोड में जा रहे हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया था, अभी हम लोग लेह सीरीज़ में चले जा रहे हैं। तो अब हम सोनमार्ग पार करके कारगिल पहुंच चुके हैं। कारगिल में बहुत ही एक सुंदर वार मेमोरियल बना हुआ है, जो शहीदों की स्मारकों और हमारी जो विजय चिन्ह के बारे में दर्शाता है। तो आज हम विजिट करेंगे वार मेमोरियल। तो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो, तो ये आपको मैं ओवरव्यू एक बार दिखा दूँ इस ब्लॉग का। तो उसके बाद इसको डिटेल से इसके बारे में जानते हैं भी, ये वार मेमोरियल कहाँ पे है और कैसे बना हुआ और कितना सुंदर बना हुआ है। तो हम लोग एंट्री पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हो गेट है, ये मेन एंट्री है जो जीटी रोड से यहाँ पे होती है। तो आप देख सकते हो भी शहीदों की याद में बहुत ही बड़ी एक स्मारक बनी हुई है, जो कारगिल युद्ध हुआ था 1971 में और 1990 में। तो उसके बारे में हमें ये शहीदों की स्मारकें बताती हैं। अभी हमारा जो फौज है, हमारी कितनी गौरवमयी है जहाँ पे हमें। तो जैसे मैंने बताया, अभी हम लोग वार मेमोरियल के बाहर खड़े हैं, तो आप देख सकते हो इसका व्यू। तो हम लोग अब एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी होने के कारण आपकी पूरी आइडेंटिफिकेशन की जांच होगी और आपके पूरी जानकारी ली जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, अभी ये लड़ाकू जहाज़ है जो उस वार में इस्तेमाल किए गए हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो उस वार में इस्तेमाल हुई थी, उसके बारे में आप पूरी डिटेल में बताया हुआ है। या जो आप देख सकते हो स्टैचू, ये जो भी फौजी और जो भी हमारे ऑफिसर साहिबान थे जिन्होंने इस वार में अपना भाग लिया था, तो जो शहीद हुए हैं उनके बारे में जो स्टैचू बताते हैं। तो पूरी डिटेल से यहाँ पे हर एक शहीद की शहीदी के बारे में बताया गया है। तो हम लोग अब एंटर कर चुके हैं वार मेमोरियल। देख सकते हो भी यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो बिल्कुल हिंदुस्तान के झंडे, जो हमारे देश के झंडे हैं, बहुत ही अच्छी तरह लहरा रहे हैं और हमारी हवाएं जो हैं देश की वो दिखा रही हैं। अभी हमारे फौजी जवान जो है शहीद हुए हैं हमारे लिए, तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो ये देख सकते हो कि ये पैक हॉर्टिलाइजर जो है उस समय इस्तेमाल किया गया था, ये वेपन्स हैं जो हमारी आर्मी की तरफ से इस्तेमाल हुए थे। कारगिल वार की मेमोरियल के बारे में पूरे डिटेल से इस चार्ट से दर्शाया गया है। तो हम लोग धीरे धीरे सभी जो यहाँ पे देखने जो चीज़ें थी उसको देख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत स्मारक बनी हुई है। तो बिल्कुल जो कारगिल है, आपको बता दूँ कि जो लेह लद्दाख का पहला स्टेशन है कारगिल, जहाँ से हम लोग लेह रीजन में पहुँच चुके हैं। तो इसका व्यू एक बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। तो ये हमारे देश का ध्वज है जो पूरी अच्छी तरह लहरा रहा है। तो पूरे इन पहाड़ों में चार चांद लगा रहा है। तो हम लोग इस पूरी जो वार मेमोरियल पूरे अच्छी तरह घूमे हैं। तो यहाँ पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ पे सभी जो हमारे सैनिक बलों के द्वारा जैसे हमारी गतिविधियाँ की गई थी फौज युद्ध के दौरान, तो उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन उनकी फ़ोटोग्राफी करना, ये जो आप सामने देख सकते हो, इसमें फ़ोटोग्राफी करना मना है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम लोग पूरे चारों और इर्द गिर्द का व्यू आपको दिखाएंगे और जो मेन पॉइंट है वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से लहरा रहा है हमारा तिरंगा। तो देश की आन मान शान है हमारा। तो ये इस पॉइंट को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आगे आपको मैं लेके जा रहा हूँ जो शहीद हमारे इस युद्ध में, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं उनकी स्मारकें। आप देख सकते हो कि हज़ारों की गिनती में हमारे जो फौजी जवान थे उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जानें दी हैं। तो उनको बिल्कुल सल्यूट बनता है। तो सभी भाई इन कब्रिस्तान को देख कर, उनकी जो स्मारकें देख कर, कमेंट में ज़रूर सल्यूट करें उनको, जय हिंद बोलें, क्योंकि हमारे देश के और हमारे लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। इस बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। तो हर एक जो फौजी है उसकी हर एक डिटेल बताई हुई है। तो काफ़ी स्मारकें आपको देख के अंदर से रोंगटे खड़े होते हैं, तभी हमारे फौजी जवान हमारे लिए कितना, हमारे लिए सरहद पर अपना परिवार छोड़कर हमारे लिए युद्ध करते हैं और हमारी सुरक्षा हमें देते हैं। तो काफ़ी बड़ी स्मारक है देखने लायक है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग इस स्मारक को देखने आते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ये स्मारक बनी हुई है। तो फौजियों द्वारा इस स्मारक को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। तो आप देख सकते हो अभी ये वीरभूमि है, यहाँ पे ज्योति जो जलती है और वीरों को यहाँ पे नमस्कार और नमन करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि इस पूरे जो वार मेमोरियल की एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसकी वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। तो वीडियो में सभी जो सैनिक जो अधिकारी उस वार में युद्ध किया था तो उनके बारे में पूरी डिटेल से बताया जाता है। तो मैं जो भी भाई इस कारगिल मेमोरियल में जाएं तो कुछ ना कुछ इन शहीदों के नाम पे अपनी तरफ से कुछ अपना योगदान जो भी दान का योगदान है तो बिल्कुल ज़रूर डालें, क्योंकि हमारी फ़ौज को हमारे छोटे से योगदान के लिए बहुत बल मिलता है। तो ये ब्लॉग को देखने के लिए आखिर तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।